हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास नाइन्थ के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, इसको समझिए। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमको एक आइडिया देता है जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतने टाइम के बाद उस किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन क्या रहा होगा, उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, उसका एक्सीलरेशन क्या रहा होगा, टी टाइम के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। हम घर बैठे अपने कॉपी पेन पे कैलकुलेशन करके ये बता सकते हैं कि अगला सूर्य ग्रहण कब आएगा, अगला चंद्र ग्रहण कब आएगा, या ये जो आज का टाइम है फिर से घूम करके कब आएगा। क्लियर, ये सारी चीजें जो प्रिडिक्ट की जाती हैं, जिसका हम अनुमान कैसे लगा सकते हैं, ये आइडिया अगर कोई हमको देता है तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन देता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है तो 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हम कैसे बताएं, क्या सोच सकते हैं इसके बारे में, हम कैसे बता सकते हैं, ये आइडिया कहां से आता है हमको, या किसकी सहायता से हम इस चीज को बता सकते हैं, तो वो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेशन देता है। रिलेशन किसके किसके बीच में देगा वो आप देख लीजिए, वो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जिसको आप बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक, और टाइम, सॉरी, और टाइम, इन्हीं के बीच में ये रिलेशन देगा। ठीक, तो इन इक्वेशन ऑफ मोशन को हम दो तरीके से डिराइव करेंगे। पहला एनालिटिकल मेथड से प्रूव करेंगे, उसके बाद हम उसको ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे। ठीक, तो जो भी हम डेरिवेशन देखेंगे तो सबसे पहले उसको हम एनालिटिकल देखेंगे, फिर तुरंत ही उसको हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड से कैसे हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हाँ, ये स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दें कि जो भी आपको क्वेश्चन रिगार्डिंग समझ होगा, क्वेश्चन जो भी आपको पूछना रहा होगा, इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आपको पूछने रहे होंगे वो आप कमेंट में लिख देंगे, क्वेश्चन लिख देंगे, तो अगले वीडियो में हम आपके सभी क्वेश्चन का एक वीडियो बना देंगे और उस वीडियो को हम आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, फिर से उसको अपलोड कर देंगे, आप उसकी सहायता से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप उसको कमेंट में मेंशन कर दीजिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए जाएंगे। आइए देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए क्या है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको वेलोसिटी और टाइम के साथ रिलेट करेगा। क्लियर, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप एक एजम्पशन जान ले। एजम्पशन का मतलब होता है कि हम क्या मान करके ये चीज या ये जो एक्सपेरिमेंट है या ये जो प्रोसेस है ये परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हम क्या मान्यताएं दे रहे हैं, कौन सी चीजों को प्रिडिक्ट मान करके चल रहे हैं। तो इसमें हमने एक चीज माना हुआ है कि इसमें जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, वो जितना एक्सीलरेशन है वो उतना ही बना हुआ है। क्लियर, तो ये याद रखेंगे कि इन तीनों इक्वेशन में जो हम पढ़ेंगे, तीन क्या चार पढ़ेंगे, उसमें हम एक्सीलरेशन को क्या रखेंगे, एक्सीलरेशन को यही मान के चलेंगे कि ये कांस्टेंट है। क्लियर, तो सबसे पहले एनालिटिकल मेथड, क्या है देखिए, सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये t टाइम के बाद a से b पर पहुंच जाता है तो मास तो वही रहेगा, लेकिन यहां पे इसकी वेलोसिटी बदल करके v उसे बदल करके v हो गई। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मींस इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स प्रोवाइड किया गया होगा और इसमें एक एक्सीलरेशन है वो a है।
क्या है a, खुद ध्यान समझिए। f इस सेम डायरेक्शन में है वेलोसिटी के, इसीलिए वेलोसिटी बढ़ रही है। f अपोजिट डायरेक्शन में होता वेलोसिटी के तो तो जाहिर सी बात वेलोसिटी घटती। हमने इसको बाई एक्सपेरिमेंट आपको पिछले वीडियोस में आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो भी किधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। टाइम टी ले रहा है ए से बी तक जाने में, ओके। तो यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टेकन टाइम। तो एक्सेलरेशन ए चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टेकन टाइम, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है v, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, टाइम कितना है t, एक्सेलरेशन a। तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन में t, ये है ना। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इस a को इस तरह भेज दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो at इज इक्वल टू v माइनस u, इसको आप लेफ्ट में लिख लीजिए, v माइनस u इज इक्वल टू at। अब माइनस u को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो u सॉरी u प्लस at, यही है हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें जो हमारा v है ये v है फाइनल वेलोसिटी, u जो है इनिशियल वेलोसिटी, a जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, t जो है वो टेकन टाइम है, ओके। यही है आपका एनालिटिकल मेथड, ठीक। अब आते हैं सेकेंड मेथड जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे करते हैं। अरे ये तो यही काम करता, सेम केस है इसके लिए। चलिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। ग्राफ कौन सा प्लॉट कर रहे हैं ध्यान से देखिए, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। भाई वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम पढ़ रहे हैं। देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू, यानी जब ऑब्जेक्ट चलना चालू करता है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी पहले से रहती है। अच्छा इसको देखिए, वेलोसिटी, ठीक। तो जब ये ऑब्जेक्ट चलना चालू करता है तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ रहती है, यानी जब हम इस ऑब्जेक्ट की स्टडी करना चालू करते हैं तो उसके पास कुछ वेलोसिटी पहले से है। तो मान लेते हैं इसके पास कुछ वेलोसिटी पहले से है, ये पॉइंट ये हमारा बना, ये u वेलोसिटी। देखिए बड़ा सा हम बना दे रहे, फिर इसको हम उस पर प्लॉट कर देंगे तेजी से। ये है, ये वेलोसिटी है, और ये टाइम। हमने बोला ये हमारा ओरिजिन है 0.0। देखिए इनिशियल वेलोसिटी इसके पास कुछ है, इनिशियल वेलोसिटी इसका मतलब क्या, जीरो तो नहीं है ना, वो कुछ होगा समथिंग, तो वो हम मान लेते हैं इतना। अब वो कितना है, यू। एक ऑब्जेक्ट है ए पर है, अब इस ए पे इसके पास वेलोसिटी कितनी है, यू, यानी ये वेलोसिटी ए को इंडिकेट कर रहा है, सही है ना। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा वेलोसिटी बढ़ गई कुछ, तो वेलोसिटी बढ़ी टाइम बढ़ा, ये पूछा। अब ये वेलोसिटी कितनी बढ़ी, ये वेलोसिटी बढ़ी वी, देखो यहां से यहां तक वेलोसिटी कितनी है, वी, यानी यू से वी पहुंच गया। कितने टाइम में, t
टी टाइम में तो ये पॉइंट पर कहां पहुंच गया, बी पर, क्लियर। तो ए से बी तक ये पहुंचा, यानी कि टी टाइम में ए से बी पर पहुंच गया, वेलोसिटी कितनी हो गई बी यहां पे, क्लियर। तो बस यही हमको करना था। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी यू है, तो इसको हम बहुत ज्यादा न करके बस यहां पे यू कर देते हैं, ओके। टी टाइम के बाद इस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी बदल जाती है ना, यानी शुरुआत जीरो पर हम वेलोसिटी इसकी मान के कुछ चल रहे हैं कि जीरो टाइम पे इसकी वेलोसिटी, यानी शुरुआत में इसकी वेलोसिटी यू है, लेकिन टी टाइम पे बाद, टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई वी, तो वी को टी से मिला दो, मिला दिया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया, ए से बी को मिला दो, ये ग्राफ हमारा प्लॉट, ओके, ये ग्राफ हमारा प्लॉट हो गया। आपको ध्यान से देखिए, ए से बी तक जो ये प्लॉट हुआ है, अब इस पे कुछ काम कर देते हैं लोग। ये ट्रायंगल बना जिसमें ये डिस्टेंस कौन सो कर रहा है, इस पॉइंट को नाम देते हैं सी, क्या नाम देते हैं सी, इसको खूब अच्छे से बना दे, क्योंकि इसी पे हम तीनों इक्वेशन पर भी प्लॉट करेंगे। आप ये हमारा है टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस हो गया, इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये यू है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। खूब ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है वी, और ये लेंथ कितनी है U, ये पूरी V और ये U है, तो ये भी कितना होगा U ही होगा, ये U है ये पूरा V है, तो ये कितना हुआ V में से U को निकाल दो, यानी V माइनस U, ठीक है ना। अब ये टाइम कितनी है, ये T टाइम है, यहां से यहां तक ये T है, तो ये भी कितना होगा T, ठीक। ए बी सी डी, ये जीरो का मत जीरो ना करके ओ कर देते हैं, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, और ये एंगल है इसका थीटा, और यही थीटा एक्सिलेशन ए है, क्या है ए, याद रखिएगा नोट, यहां पे नोट क्या है, स्लोप ऑन वीटी ग्राफ शोज द, ठीक है, नई बात यहां पे ये पता है, इसको याद रखना है आपको, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जो स्लोप होता है ग्राफ का, वो किसको शो करता है, वो एक्सेलरेशन को शो करता है, तो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, हमने इसको ए दिखा दिया, ठीक। आइए इन ट्रायंगल एबीसी, इसमें एक नई चीज आपको पता चल रही है, नई चीज क्या है, टेन थीटा, क्या है टेन थीटा, क्लास नाइन्थ में है आपको एकदम नया है, आप ये समझिए, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये थीटा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एंगल के सामने की साइड हमारी होती है परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने का साइड जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, और जो बचता है वो बेस, ठीक, ये याद रखिए, जिस साइड पे 9 थीटा और 90 डिग्री दोनों होता है वही हमारा बेस होगा, क्लियर। या सिंपल से याद रखिए, थीटा के सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस, जो बचेगा वो बेस, सही है, ये याद रखेंगे तभी ये सॉल्व कर पाएंगे। बुक में ये दिया नहीं रहता, क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में इसलिए नहीं दिया रहता,
बस इतनी सी ही बात है, हम आपको बता दे रहे हैं कि कितनी भी बड़ी चीज नहीं समझ में ना आए। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, एंगल क्या है, ए, तो टेन ए थीटा की जगह ए हो गया। परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, थीटा के सामने का साइड कौन है, बी सी लिख दीजिए, बी सी, और ये 90 है, ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, तो बेस कौन बचा, ए सी, तो बी सी अपॉन में ए सी हो गया। तो टेन ए इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है भैया, वी माइनस यू, ए सी की वैल्यू कितनी है, टी, तो टी हो गया, ठीक है ना। अब एक चीज होती है टेन की प्रॉपर्टी कि इफ थीटा इज वेरी मिनिमम, थीटा इज वेरी मिनिमम, देन टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, इफ द वैल्यू ऑफ एंगल इज वेरी मिनिमम देन टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। अगर टेन थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो जो टेन थीटा है वो थीटा के बराबर ही निकलेगा। तो यहां पे हम मान के चलते हैं कि इफ ए इज वेरी मिनिमम, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम इसको लिख रहे हैं कि ए इज वेरी मिनिमम, इस ए की वैल्यू बहुत छोटी हो, देन टेन ए इज इक्वल टू ए होगा, देन टेन ए इज इक्वल टू ए, और टेन ए बराबर है क्या, बी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू अपॉन में टी। अब आप इसको लेके यूज करिए, इसको इधर भेजिए तो ए टी इज इक्वल टू क्या निकला, वी माइनस यू, और इधर भेज दीजिए तो वी बराबर यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा मिल गया, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये बहुत भूलता है सबको, ये इसका तरीका है पूरा करने का, ओके। अब आते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम इक्वेशन, ठीक है, जो है हमारा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है, ओके, ये समझ में आना। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको कम से कम आप एक से दो बार देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कई चीजें हैं जो एकदम नई है फर्स्ट मेल में, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है क्योंकि आप ग्राफ देख के डरते हैं, बस इतनी सी बात है। तो बच्चे इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको बस इसमें ध्यान देना है छोटी छोटी बातों का। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको देखना है, इस इक्वेशन का नाम है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन का मतलब क्या है, एस हमारा डिस्प्लेसमेंट है और टी टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में क्या है रिलेशन बताएगा, कब, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही हो तो उस टाइम उस बॉडी के डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होता है, तो वो बताता है हमको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये इसका थियरी है। अब आइए कहानी सेम वही, ए से बी तक जा रहा है और ये एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस, एस डिस्टेंस। तो चलिए हमने माना कि वाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी वी बार इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू, टिक, वाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मास एम इज वी बार, वेन वी बार इज इक्वल टू वी प्लस वी बाई टू, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने पढ़ा हुआ इसे, ठीक। अब खूब ध्यान से देखिए, ये निकालने का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरे जगह तक ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक, एक जगह से दूसरे जगह तक ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो यहां से वेलोसिटी यू है, यहां से भी, यानी ग्रेजुअली इंक्रीज किया होगा, तो हम हर एक पॉइंट पे कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी देगी, तो हम एक एवरेज निकाल लेते हैं। अब एवरेज का मतलब ये निकला कि ए से बी तक किसी भी पॉइंट पे अगर हम इसकी वेलोसिटी कंसीडर करेंगे तो वो वेलोसिटी वी बार ही होगी, यानी यू प्लस वी बाई टू के बराबर ही होगी हमेशा,
इसीलिए हमने क्या लिया u, सॉरी v बार लिया एवरेज वेलोसिटी लिया। क्लियर, एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पे ये एक फायदा है लेने का। उसके बाद एक फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, पढ़ा है ना, इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है भैया आपका एस, वेलोसिटी कितनी थी वी बार की एवरेज वेलोसिटी, टाइम कितना टी टाइम में एस डिस्टेंस ट्रेवल किया और वी बार वेलोसिटी से। ओके चलिए, तो एस इज इक्वल टू वी बार की वैल्यू कितनी है यू प्लस वी डिवाइडेड बाई टू इंटू टी निकला। अब इसके आगे का काम हम कैसे करेंगे उसके लिए जरूरी है आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें। इस इक्वेशन में कहीं पे भी v आपको दिखा नहीं, इसका मतलब v को एलिमिनेट करना है हमको, v को हमको हटाना है। तो v को हम क्या करेंगे u के टर्म में या किसी और के टर्म में रखने की कोशिश करें। तो v के लिए हमको पता है कि v बराबर क्या होता है u प्लस at। अब ये v को हम इसके टर्म में लिख सकते हैं, क्लियर, तो यही यूज करेंगे हम। तो s इज इक्वल टू u प्लस और इस v की जगह इस v की जगह हमने रख दिया u प्लस at। ठीक है, कैसे रख दिया, सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस at फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब s इज इक्वल टू ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटा दिया, u प्लस यू कितना हुआ 2u, ओके प्लस at इंटू टी बाई टू, ऐसे भी लिख सकते हैं ये पूरा करके बगल में लिख दिया हमने। ओके अब इस टी बाई टू का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट निकालिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u इंटू टी बाई टू प्लस at इंटू टी बाई टू, यस 2 से 2 कैंसिल आउट तो यू टी बचा, और 1 बाई टू को पहले लिख लेते हैं यानी 1 बाई टू ए है और t इंटू टी कितना हुआ टी स्क्वायर, तो s s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल गया। ये हमारा एनालिटिकल मेथड है। ये हमारा कौन सा मेथड है, एनालिटिकल मेथड है कि जब बॉडी ए से बी तक जा रही हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एवरेज वेलोसिटी उसका निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी के बाद डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, एस बराबर वी बार इनटू टी, वी बार की वैल्यू रखेंगे वी प्लस यू प्लस वी बार टू इनटू टी, फिर वी को हम एलिमिनेट कर देंगे यू के टर्म में, यू प्लस एटी यू प्लस यू टू यू हो जाएगा प्लस एटी टी बाई टू का मल्टीप्लाई कर देंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हमको मिल जाएगा। क्लियर, ओके आते हैं दूसरा तरीका ग्राफिकल मेथड। ठीक, कहानी पूरी वही लेकिन अब ग्राफिकल करेंगे। ग्राफिकल मेथड में एक नोट आप कर लीजिए कि एरिया अंडर कर्व ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कर्व के नीचे का जो एरिया है वो क्या शो करता है, वो शो करता है डिस्प्लेसमेंट को, किसको शो करता है डिस्प्लेसमेंट को। तो चलिए यानी इस तरफ हम क्या देख रहे हैं वेलोसिटी, इस तरफ टाइम, और ये क्या है पूरा वी है, ये तब हमको क्या मिल जाएगा v माइनस u, यहां से यहां तक u है, ये टाइम t है, ये क्या है एक्सेलरेशन a, सही है। बस पन्ना हम दे देते हैं, ये c है, ये c है, ये d है, o है। स्टेटमेंट एक
हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिया अंडर कर्व ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। क्लियर कि इस ए बी के नीचे का जो ये एरिया है क्या शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी को। तो देखिए हम कैसे इस चीज को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये ध्यान दें हमको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन में हमको क्या निकालना रहेगा, डिस्टेंस ही तो या डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अगर हम देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी एरिया अंडर कर्व ए बी। हमारा ग्राफ तो यही ए बी ही है ना, ए बी ही तो है हमारी लाइन। इसके नीचे का जो एरिया होगा तो एरिया इसके नीचे का कितना है, ये है, ठीक। इस पूरा एरिया अगर हम निकाल दें तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कितना माना हमने, एस माना था, ठीक है। एरिया अंडर कर्व है, तो एरिया अंडर कर्व आप बहुत आसानी से ध्यान से अगर देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, तो वो किसके बराबर होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ। ए बी सी ये ट्रायंगल का एरिया और ए सी डी ओ ये रेक्टेंगल का एरिया, दोनों का सम कर देंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। बेस कितना है ए सी, हाइट कितनी है बी सी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहां लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी ओडी इनटू या सीडी इनटू ओडी, मिल गया। वैल्यू पुट करिए, 1/2 एसी कितना है, एसी है वी माइनस यू, बीसी कितना है टी, प्लस सीडी कितना है यू, ओडी कितना है, ये टी ही तो है, टी यूटी मिल गया, यूटी को पहले लिख लो, प्लस हाफ वी माइनस यू टी। गड़बड़ बात क्या है, ध्यान से देखिए, वी माइनस यू तो हमको चाहिए ही नहीं, क्यों, इक्वेशन हमारा आना चाहिए यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी हमारे पास कमी किसकी है, एटी की, ये भी पहले से है, ये भी पहले से, एटी होता तो टी इंटू टी टी स्क्वायर बन जाएगा, यानी कुल मिला के ये वी माइनस यू एटी के बराबर होगा, बिल्कुल है, वी इक्वल टू यू माइनस सॉरी यू प्लस एटी, यू को इधर भेज दो तो वी माइनस यू इक्वल टू क्या मिलता है, एटी, है कि नहीं। तो यहां से इस वी माइनस यू को हमने क्या लिख दिया, एटी, तो ये क्या मिल गया, एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्लियर। ये मिल गया आपको ग्राफिकल मेथड से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। ये तरीका है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से एकदम दिमाग में बिठा के रखेंगे, ठीक है। चलिए अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होता क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक। इसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम देख रहे हैं, लेकिन कब, जब बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रही है। देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
वी इक्वल टू यू प्लस एटी, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यू प्लस एटी का होल स्क्वायर। हो गया, वी स्क्वायर हमको मिल गया। अब ये लाना है, एक्सपेंड कीजिए, यू स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस टू यू एटी मिल गया वी स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर मिल गया, यानी इतने को हमको कन्वर्ट किस में करना है, टू एस में। ये तो समझ में आ रहा है ना, ये लिख लो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो एटी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, तो इसको ऐसे लिख लो ए स्क्वायर टी स्क्वायर। इसमें दोनों में ए कॉमन है, क्या है ए कॉमन है, तो इसमें हम देखिए कॉमन कैसे ले रहे हैं, टू ए कॉमन ले रहे हैं ठीक अपने से। तो टू ए कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जिस चीज को हम कॉमन लेते हैं इसका मतलब क्या, उससे हम उन दोनों में डिवाइड कर दें उन सब में। तो ए स्क्वायर है टी स्क्वायर है तो अपॉन में टू ए प्लस ये देखिए टू यू ए टी है, इसमें भी टू ए से डिवाइड कर दिया, हो गया। अच्छा एक ए से एक ए कैंसिल आउट, टू से टू कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, यहां पे क्या बचा वन बाई टू ए टी स्क्वायर, देखिए वन बाई टू ए टी स्क्वायर बचा, प्लस यहां पे क्या बचा यू और टी, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या बोलते हैं हम, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यही है, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं s, मिल गया हमको क्लियर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का एनालिटिकल मेथड है, क्या है एनालिटिकल मेथड है, क्लियर। अब आते हैं हम इसके ग्राफिकल मेथड पे, ठीक। देखिए ग्राफिकल मेथड बहुत आसान है, फिर से वही एरिया या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी, यानी ए से बी तक बॉडी गई उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, वो होगा एरिया अंडर कर्व ए बी के बराबर होगा, क्लियर। अब खुद ध्यान से देखिए, अगर इस ए बी को अब अगर गौर से देखेंगे, ए बी को देखिए, ये ऐसे 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 पूरा, ये कैसे दिखेगा, ठीक। इसमें क्या है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, यानी ये वाली साइड जो है और ये वाली साइड जो है ये आपस में क्या है पैरेलल, यानी दो साइड पैरेलल है, दो नॉन पैरेलल साइड है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम क्या होता है, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी दो पैरल साइड पैरल होती है, दो नॉन पैरल साइड होती है, क्लियर। तो ये ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम के केस में याद करिए, ये इस तरीके से बना होगा, ये ए होता है, ये बी, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होता है वो एच हाइट जिसको बोलते हैं, इसका जो एरिया होता है, इस एरिया को बोला जाता है सम ऑफ पैरल साइड इंटू एच बाई टू, क्या बोलते हैं सम ऑफ पैरल साइड इंटू हाइट बाई टू, ये इसके एरिया का फॉर्मूला था, यही हम यूज करने जा रहे हैं। तो इसका जो एरिया हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या है, ओडी, सॉरी पैरेलल साइड कौन है, ए ओ है और बी डी है, ओ ए प्लस बी डी इंटू, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, OD है, OD डिवाइडेड बाय 2। बच्चे ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल साइड है ना, इनके बीच की डिस्टेंस कौन है, ये तो दो पैरेलल साइड हैं, इनके बीच की डिस्टेंस h है, तो पैरेलल साइड का सम और इनके बीच की जो डिस्टेंस उसका हाफ, तो पैरेलल साइड का सम उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ। OA की वैल्यू कितनी है, u, BD की वैल्यू कितनी है, पूरी v, कैपिटल बी,
इनटू ये कितना है टी डिवाइडेड बाई टू, ये एस मिल गया। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए तो कहीं पे टाइम नहीं है, यानी टाइम को भगाना है इनको, ये सब तो ठीक है, टाइम नहीं होना चाहिए। तो आइए देखिए वी इक्वल टू वी माइनस यू बराबर क्या है एटी, फिर पूरा देख लीजिए यू प्लस एटी, यू को इधर लाइए तो वी माइनस यू इक्वल टू एटी, तो वी माइनस यू इस ए को नीचे लाएंगे बराबर टी, इस चीज को हम यूज कर रहे हैं। तो सिंस t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में ए कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसको पहले लिख लीजिए ऐसे v प्लस यू, इसको v प्लस यू कर दिया इंटू t की जगह क्या लिख सकते हैं, t की जगह आप लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन में a, तो नीचे 2a हो जाएगा, 2a को इधर ला दीजिए तो 2as हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा v प्लस यू और v माइनस यू, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यू स्क्वायर को इधर लाएंगे तो यू स्क्वायर प्लस टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर को इस तरफ लिख दीजिए यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये हमारा बन गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाई ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे देखिए। ओके, थैंक यू।